दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो की रफ्तार 3 जून को ठप हो सकती है। इससे न सिर्फ लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है बल्कि लोगों को ऑफिस पहुंचने में भी काफी वक्त लग सकता है। दरअसल मेट्रो के कर्मचारी वेतन वृद्धि और अन्य कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठने वाले हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपको बता दें जो कर्मचारी हड़ताल करने वाले हैं उनमें ट्रेन ऑपरेटर, टेक्नीशियन, स्टेशन कंट्रोलर, मेंटेनेंस स्टाफ आदि कर्मचारी शामिल हैं। गौर करने वाली बात तो है कि जब ये लोग हड़ताल करेंगे तो जाहिर सी बात है उससे मेट्रो सेवा बाधित रहेगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेट्रो में इस वजह से सफ़र करते हैं क्योंकि वो बहुत दूर दूर से कई जगहों पर नौकरी करने जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेट्रो पर ही निर्भर है। अगर मेट्रो सेवा बंद हो जाती है तो ऐसे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वो समय पर भी अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। इन सभी बातों को देखते हुए मेट्रो कर्मचारियों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए और अपनी मांगों को लेकर उन्हें अपने बड़े अधिकारियों से बात करनी चाहिए ताकि समस्या का समाधान निकल सके। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।